Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Myself Arvind Yadav. In this video I will explain about the RRB NTPC previous year question. So start the video. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो पुणे के पास खडवासल में स्थित है. उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी. जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और 1929 में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे. उसके अलावा 1937 में फैजपुर अधिवेशन के भी अध्यक्ष थे. उसके अलावा फैजपुर अधिवेशन जो कि एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में किया गया था. एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय में एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है. उसके अलावा एक स्वस्थ मनुष्य में कितने परसेंट ब्लड होता है? तो मनुष्य के वेट का 7.7% यानी 70%. जैसे 50 kg का एक पर्सन है तो उसमें ब्लड का 0.7 होता है यानी 3.5 लीटर ब्लड होता है. भारत की सबसे पहली बार जनगणना कब हुआ? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी. और भारत में डेमोग्राफिक जनगणना कौन से ईयर को माना जाता है? तो 1921 को माना जाता है. यानी डेमोग्राफिक यानी विभाजक वर्ष के रूप में भी जाना जाता है. और 2021 में जनगणना अभी हो चल रही है. डफल वाल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो डफल वाल्ट जो कि शब्द टेनिस से प्रयुक्त किया जाता है. भारतीय थल सेना के पहले और भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा. लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा मणिपुर राज्य का नृत्य है. भारत में किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन केरल राज्य में होता है. कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है. पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने. महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में. उसके अलावा महात्मा गांधी के और आश्रम जैसे वर्धा नागपुर में है उसके वहाँ पर गांधी जी ने 1936 से 48 तक निवास किया था. उसके बाद मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 होते हैं यानी 46 जोड़े होते हैं. चंद्रग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को लगता है. भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था. उसके अलावा साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में आया था. जेम्स चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया था? तो 1990 में आया था. और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था. उसके बाद बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था. कांग्रेस विभाजन कब हुआ? तो 1907 में हुआ था. मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तताप कितना होता है? तो 80 से 120 mm होता है. उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है. रामचरितमानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा है. उसके अलावा रामचरितमानस तुलसीदास ने, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने, और महाभारत वेदव्यास ने, और पतंजलि पाणिनि ने लिखा है. और उसके अलावा मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है. बीजक की रचना किसने की है? तो कबीरदास ने की है. प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था. अब आते हैं हम SSC GD के क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं. तो SSC GD वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का प्रेशर नापा जाता है. और उसके अलावा हाइड्रोमीटर से क्या जाता है मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है. उसके अलावा सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है. हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर है? तो ये भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है. टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में सबसे अधिक 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले हैं. सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप रूस में होगा. संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा देश है? तो चीन है. राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो
लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में 2 कर सकता है, वहीं राज्यसभा में 12 कर सकता है। और लोकसभा में सीटें कितनी होती हैं? तो 545 सीटें होती हैं। उसके अलावा राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? तो 250 होती हैं। और राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो सर्वग्राही रक्त समूह ये भी है। उसके अलावा सर्वदाता कौन है? तो वो है। असहयोग आंदोलन किस बार शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। उसके अलावा 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1922 में क्या हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 1924 में तो 1924 में महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन किए थे। उसके अलावा 1925 में तो 1925 में काकोरी ट्रेन दुर्घटना ट्रेन कांड हुआ था। और उसके अलावा सरोजनी नायडू आईएनसी के प्रेसिडेंट बनी थी। 1927-28 में क्या हुआ था? तो 1928 में साइमन कमीशन आया था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा कहलाता है? लोकसभा। उच्च सदन क्या होता है? तो राज्यसभा। और लोकसभा में कितने सीटें होती है? तो 545 सीटें होती हैं। लोकसभा कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो 80 नंबर के आर्टिकल में मेंशन है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने। और गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। और सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। और सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन है? तो गुरु ग्रंथ साहब। भारत की जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों बाद की जाती है। और भारत की अभिलाष जनगणना कब हुई थी? तो 2011 में हुई थी। उसके अलावा भारत की अगली जनगणना 2021 में चल रही है। उसके अलावा भारत की डेमोग्राफिक ईयर यानी विभाजक वर्ष कौन सी जनगणना को कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है। उसके अलावा भारत की जनगणना तो भारत की जनगणना जन विश्व पॉपुलेशन डे किस दिन को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की। और मेघदूत के अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? विक्रमोर्वशीय किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट इटली थे। एक्जिमा रोग रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट वॉर्डेन पावेल ने की थी। रॉबर्ट उबेट पॉडेल पावेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। और सबसे गहरा प्लेस बोले अगर प्रशांत महासागर में तो कौन सा जगह होता है? तो मेरियाना ट्रेंच। उसके अलावा प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर यानी रिंग ऑफ फायर बनता है। पेनाल्टी किक किस शब्द में प्रयोग किया जाता है? तो फुटबॉल में। और पेनाल्टी स्ट्रोक बोले तो हॉकी में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम एनटीपीसी और आरबी की क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लिए।